आज जितना खर पतवार है, इंदिरा घास नाम से जो घास हम लोग जानते हैं और बरसात के दिनों में हर खेत के भीतर उगती है, वह नरमा रोजा गेहूं जो अमेरिका से आया था उसकी। नमस्कार किसान मित्रों, तो आज यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र संडीला हरदोई द्वितीय पर कृषि मेले का आयोजन किया गया है और यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है और हम दिखाएंगे क्या क्या बोला है आज यहाँ पे कृषि मंत्री और सांसद जी ने, तो वीडियो में जरूर देखिएगा आप लोग। गांव गांव में कैंसर, टीबी, हार्ट अटैक, किडनी की बीमारी, पथरी की बीमारी जो हुई है यह डीएपी एनपीके की देन है। डीएपी एनपीके हमारे मंडल ने कहा कि जरा खाद का और ज्यादा व्यवस्था कर दिया। हरदोई के दीदी देखेंगे कि यहाँ पर ये एग्रीकल्चर सर इस इलाके में क्यों नहीं खाद पड़ी, उनका कहना है कि ब्रेक पर हमने खरीदा खाद का बेजा इस्तेमाल। यह आवारा पशु कहां से आया? क्या मोदी जी, योगी जी और शाही जी ने आके छोड़ दिया? हमने अपने घर के उन पशुओं को आवारा बना दिया जिनका हमारे पूर्वज अपने खेतों में इस्तेमाल करते थे। दूध पीने का काम, दही बनाने का काम, मानव जीवन को अच्छा स्वस्थ रह सके इसके लिए दूध दही और उससे बनी हुई चीजों की। जब हमारे पशु जानवर का गोबर खेत में पहुंचता, जब उसका मूत्र खेत में जाता था, कंपोस्ट खेत के भीतर जाता था, आज वो कर रहे हैं इसलिए उनकी फसल निकली। और जहां हम लोगों ने लगाई है, जहां ज्यादा डीएपी डाली है, उनका फसल जो है जमीन पर गिर गया। तो आज जरूरत है इस बात की जानकारी करने की कि अमेरिका में चल सकता है, वहां पर डीएपी एनपीके उनको जरूरत थी, उन्होंने लगाया। हमारे देश में जो उन्होंने 62-67 के बीच में जो गेहूं पाटते थे, आज जितना खर पतवार है, इंदिरा घास नाम से जो घास हम लोग जानते हैं और बरसात के दिनों में हर खेत के भीतर उगती है, वह नरमा रोजा गेहूं जो अमेरिका से आया था उसकी देन है। तो इसलिए हमारे जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़े, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा सबके आपको मक्का मिल पाया था छूट पर, लगभग 150 रुपए का ये बीज होगा और 150 रुपए में 15 रुपए आपको देना है और 135 और उत्तर प्रदेश जानकारी मिल सके खेती बारी के बारे में, वैज्ञानिक उन्हें नई जानकारियां दे करके किसानों को उससे जोड़ सके। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सरकार जब उनकी बनी उत्तर प्रदेश में 20 कृषि विज्ञान केंद्र नए खोलने की सहमति दिया। 4 दिवसीय पारंपरिक विराट किसान मेला और कृषि विज्ञान केंद्र हरदोई जैतपुर बाराही काशिमाबाद फार्म के इस प्रशासनिक भवन के भूमि पूजन और शिलान्यास के अवसर पर यहाँ पधारे हुए इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय अशोक रावत जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उषा नई दिल्ली से पधारे हुए उप महानिदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार चौधरी जी, केंद्रीय मृदा लवणता और अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक डॉक्टर राजन कुमार यादव जी, और जो इस कृषि विज्ञान हरदोई के प्रभारी के रूप में और अध्यक्ष केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र लखनऊ के प्रभारी हैं डॉक्टर संजय अरोड़ा जी, यहाँ की मुख्य विकास अधिकारी सुश्री सौम्या दुर्गा रानी,
संयुक्त निदेशक कृषि लखनऊ मंडल श्री डीपी सिंह जी, निदेशक प्रसार कृषि विभाग श्री आरके सिंह पटेल और कृषि वैज्ञानिक गण और कृषि विभाग के सभी अधिकारी गण, मैं आज चार दिवसीय इस किसान मेले और कृषि विज्ञान केंद्र हरदोई संडीला दो के इस भूमि पूजन और शिलान्यास के अवसर पर आयोजित इस मेले में मैं आप सभी किसान भाइयों और किसान बहनों माताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।